ENBA में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इथे येऊन 2000 माईलावर नाही, इथे येऊन दादागिरीची भाषा नाही करायची। ती दादागिरी करायची तिकडे, कशी टॅक्सा चालवतात, कुठेही रिक्षा घेऊन जातात, काही करत असतात, वरती परत मुजोरपणा वाढलेला, म्हणून मध्यंतरी फटकावले ना त्यांना, त्याच्यानंतर आले सरळ। ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। इस वक्त इनके लिए अयोध्या और उत्तर भारतीय बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। 5 जून को ट्रेन से अपने समर्थकों के साथ अयोध्या आने का प्लान भी है, लेकिन इन सब के बीच खड़े हो गए हैं कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह। उनका कहना है कि इससे पहले उत्तर भारतीयों पर हमला करने वाले राज ठाकरे को माफी मांगना चाहिए और उसके बाद ही हम उनको आने देंगे। ऐसे में हमने पुरानी फाइलें खंगाली और निकाला राज ठाकरे का वो दौर जब वह उत्तर भारतीयों को परप्रांती बताकर बहुत कुछ कह रहे थे। देखिए साल 2012 में मुंबई के एक कार्यक्रम में वो कैसे उत्तर भारतीयों को लेकर मार पिटाई की बात कह रहे हैं। तसा विरोध करण्याचा भाग नाही आहे, माझं म्हणणं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम मराठी माणसाला पहिलं प्राधान्य हे त्याला मिळालं पाहिजे, त्याचं पोट भरलं तर मी बाकीच्यांचा विचार करीन, एवढ्यापुरताच आहे तो माझं, बाकी काही म्हणणं नाही। आणि इथे येऊन 2000 माईलावर नाही, इथे येऊन दादागिरीची भाषा नाही करायची। ती दादागिरी करायची तिकडे, कशी टॅक्सा चालवतात, कुठेही रिक्षा घेऊन जातात, काहीही करत असतात, वरती परत मुजोरपणा वाढलेला, म्हणून मध्यंतरी फटकावले ना त्यांना, त्याच्यानंतर आले सरळ। राज ठाकरे कह रहे थे की उत्तर भारतीयों को मार पड़ी तो उनका दिमाग ठिकाने आ गया। तो हम आपको वो दृश्य भी दिखाते हैं कि कैसे राज ठाकरे के लोग सड़क पर खड़े लोगों के साथ गुंडई कर रहे हैं, कैसे कुछ लोग पानी की गुमटी गिरा रहे हैं, कैसे ठेले वाले को 3 लोग मिलकर पीट रहे हैं। इनके गले में पड़ा पट्टा राज ठाकरे के हृदय परिवर्तन और रंग परिवर्तन से पहले उनकी पार्टी का निशान है। ये भी देखिए, ना सिर्फ फल की गाड़ी को पलट दिया बल्कि उसे तोड़ भी रहे हैं, और तो और ये दुकानों पर तोड़फोड़ करने वाले सभी राज ठाकरे के ही समर्थक हैं, और राज ठाकरे इसी पिटाई की बात कर रहे हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों से सामान मत खरीदिए। समजा पार्ल्यामध्ये तुम्ही म्हणत असाल की मला आम्हाला इकडे भाजीवाला भैयाच मिळतो, मराठी मुलं मिळत नाही, मी लावतो, त्यांच्याकडनं पहिले भाज्या घ्यायच्या बंद करा बाकीच्यांकडनं, त्या तुम्ही जर समजा बंद करणार असाल त्यांच्याकडनं घ्यायचं, मी मराठी मुलं लावतो, चला। इतका कडवटपणा मला असं वाटतं जोपर्यंत आपल्यामध्ये येत नाही तोपर्यंत ही गोष्ट होणार नाही। राज ठाकरे के इन्हीं कारनामों को निशाना बनाकर अब बृजभूषण शरण सिंह अपनी राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।